बीजेपी कह रही है कि 19 में जो आप लोग वादा करके आए थे, एक भी वादा बता दे ना, 5 लाख रोजगार मिला, नौकरी मिला, ना ही आपका जो है रोजगारी भत्ता मिला, ना ही जो है महिलाओं के सुरक्षा में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी। बोल रहे हैं कि कुछ भी तो नहीं किए, ये 1000 रुपया देकर के क्या? बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए PIL कर रहे हैं। यही लोग हैं जो बोलते हैं एफिडेविट भी देंगे और PIL भी करेंगे। बीजेपी के लोग जादूगर होते हैं, ये वही जादूगर लोग हैं जो बोलते थे कि 2014 में आपको 15 लाख रुपया मिलेगा, आपको 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। आज यही जादूगर लोग हैं, जब सरकार नौकरी देने का प्रयास करती है तो ये लोग कोर्ट जाके PIL करते हैं। सरकार को तो और जनता को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और जब चुनाव का वक्त आएगा तो उनको बैठा के आराम से पानी पिलाना चाहिए और सवाल कर करके उनको पानी पिलाना। चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी के हो गए हैं, उनके साथ लॉबिंग दा भी चले गए हैं, तो आप लोग जो है इस तरह की जो प्रकरण चल रहा है मैडम, बोल रहा है कि आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? निश्चित रूप से पिछले 5 साल में हिमंता बिश्व शर्मा का बड़ा हाथ रहा है इस राज्य के सरकार को अस्थिर करने में। नमस्कार, हमारे साथ विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं। मैडम, आज 1 लाख महिलाओं खाता में 1000 डाला गया है, ऐसे बड़ी संख्या में महिलाएं जमा हुई थी। कहा जा रहा है कि भीड़ देख करके हेमंत सोरेन गदगद हो गए। कैसे नहीं गदगद होंगे, देखिए उन्होंने भी ये बात को कहा और मैं मानती भी हूँ कि जनता का सेवा करने का ताकत जनता के ही माध्यम से आता है और जो जनता का ताकत होता है वो निश्चित रूप से नेता को अपनी भीड़ देख के वो जाहिर होता है। और आज लगभग 3 लाख से अधिक महिलाएं यहाँ पे पहुँची, मात्र केवल 6 विधानसभा से इतना ज़्यादा भीड़ महिलाओं का, और वो सभी आप देखेंगे तो बहुत डिसिप्लिन तरीके से बैठी हुई थी, सभी चीज़ों को उन्होंने अंत तक भाषण को भी सुना और बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने अपने सहमति दिखाते हुए ताली भी बजाई। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत ही बड़ा योजना हम लोगों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने झारखंड की महिलाओं को देने का काम किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है, आधी आबादी को सम्मान देने का काम किया है। इसे रोकने के लिए PIL भी डाला गया है, बोल रहे हैं कि इस तरह की योजना जो चुनाव से पहले नहीं ला सकती है, बीजेपी भी इस पे जो है मुखर हो गई है, हाईकोर्ट तक पहुंच गई। देखिए बीजेपी के लोग जादूगर होते हैं, ये वही जादूगर लोग हैं जो बोलते थे कि 2014 में आपको 15 लाख रुपया मिलेगा, आपको 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। आज यही जादूगर लोग हैं, जब सरकार नौकरी देने का प्रयास करती है तो ये लोग कोर्ट जाके PIL करते हैं। और सरकार को तो और जनता को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और जब चुनाव का वक्त आएगा तो उनको बैठा के आराम से पानी पिलाना चाहिए और सवाल कर करके उनको पानी पिलाना चाहिए। कल आपके पिताजी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बड़ा खुलासा किए कि 3 साल पहले जो है हिमंता बिश्व शर्मा जो है उनको वीडियो कॉल किए थे या कॉल पर बात हुई थी, सरकार गिराने की अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, कितनी सच्चाई है इसमें, आपको क्या लगता है? देखिए ये जो सर के साथ बंधु जी के साथ जो घटी हुई घटना है उसका ये व्याख्यान है और इसमें उन्होंने जो भी कहा है ये उसमें वही कमेंट करे तो सही रहेगा, इसलिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। बिश्व शर्मा बोल रहे हैं, मगर मैं इतना बोलूँगी कि निश्चित रूप से पिछले 5 साल में हिमंता बिश्व शर्मा का बड़ा हाथ रहा है इस राज्य के सरकार को अस्थिर करने में। क्या लग रहा है, चुनाव नज़दीक है, पक्ष विपक्ष की जो राजनीति चल रही है, चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी के हो गए हैं, उनके साथ लॉबिंग दा भी चले गए हैं, तो आप लोग जो है इस तरह की जो प्रकरण चल रहा है मैडम, बोल रहा है कि आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों को सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं? इतने सीनियर नेता हैं, बताइए पार्टी छोड़ दे रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया, इससे ज़्यादा बड़ा पद और क्या होता है, इससे ज़्यादा बड़ा सम्मान क्या होता है। और मुझे लगता है चुनाव से पहले बहुत लोग अपने राजनीतिक करियर को वे करते हुए बहुत सारे निर्णय लेते हैं, इस तरह से दल बदलते हैं, बहुत सारे पार्टी को ज्वाइन करने का काम करते हैं, मगर मुझे लगता है जो हम लोगों का अनुभव रहा है झारखंड के राजनीति में, झारखंड के लोग इस तरह के चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं, दल बदलना और अपने साथ साथ विचारधारा को भी बदलना इसको नहीं सहराते हैं। और लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ उन लोगों का जिन्होंने दल बदला था, उनके साथ क्या किया जनता ने, उस चीज़ों को देखा, इसलिए इसमें हम लोग 2 महीने के बाद और विशेष रूप से विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। महागठबंधन कितनी मजबूत है मैडम, क्या लगता है आपको? बीजेपी कह रही है कि 19 में जो आप लोग वादा करके आए थे, एक भी वादा बता दे ना, 5 लाख रोजगार मिला, नौकरी मिला, ना ही आपका जो है रोजगारी भत्ता मिला, ना ही जो है महिलाओं के सुरक्षा में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी। बोल रहे हैं कि कुछ भी तो नहीं किए, ये 1000 रुपया देकर के क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, इस तरह से इस मैया योजना को ये लोग डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं,
इस तरह से ये लोग बोलेंगे ही, जिस तरह से आप देखेंगे गांव घर में जाके महिलाओं के बीच में जो खुशी है, आज केवल 1,000 रुपया सरकार नहीं दे रही है, जिस परिवार में 5 महीना है 6 महिलाएं हैं वहां पे 5,000-6,000 जा रहा है, साल भर में 60,000 रुपया महिलाओं के खाता में आ रही है, तो ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। और आज सर ने क्या कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि मैं ये सम्मान इसीलिए दे रहा हूँ ताकि झारखंड के लोगों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वो अपने से महिलाएं अपने से स्वलंबी बन सकें, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से तो बहुत लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए PIL कर रहे हैं, यही लोग हैं जो बोलते हैं एफिडेविट भी देंगे और PIL भी करेंगे, इसीलिए मैंने शुरुआती में कहा इनसे बड़ा जादूगर आप कभी नहीं देखेंगे। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.